नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर से 8 और नाथनगर से 3 उम्मीदवारों ने कटाया ऐलान। सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। चुनाव की तैयारियों को लेकर डीएम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चुनाव आयोग के निर्देशों का कराया जाएगा पालन। नवगछिया में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, शादी समारोह का सामान समेट रहे युवक को ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई मौत। विश्व डाक दिवस को लेकर देश भर में मनाया जा रहा है डाक सप्ताह, भागलपुर प्रधान डाकघर में लग रही लोगों की भीड़। और बांका में अवैध बालू उठाव का ग्रामीणों ने किया विरोध, दहशत फैलाने के लिए दबंगों ने की फायरिंग। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर से नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन चुनावी मैदान में उतरने के लिए 8 प्रत्याशियों ने एनआर कटाया। शुक्रवार को निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण के कार्यालय में उम्मीदवारों ने नजारत रसीद कटाई। नेशनल टाइगर पार्टी से सुबोध मंडल, निर्दलीय उम्मीदवार मनोज मिश्र एवं बजरंग बिहारी शर्मा, भारतीय दलित पार्टी से नीलू देवी, प्रबल भारत पार्टी के दयाराम मंडल, SUCI के रवि कुमार सिंह, जय महाभारत पार्टी से गौरव तिवारी और बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार सहेंद्र प्रसाद साहू ने एनआर कटाया। वहीं नाथनगर से चुनाव लड़ने के लिए शुक्रवार को कुल 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने एनआर कटाया, जिसमें ब्रह्मदेव पासवान, संजय कुमार एवं मोहम्मद अकबर शामिल हैं। नाथनगर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह ADM राजेश कुमार राजा ने बताया कि नामांकन के पहले दिन नाथनगर से किसी भी अभ्यर्थी ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। वहीं सदर SDO सह भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी आशीष नारायण ने कहा कि 16 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। बता दें कि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले 5 उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह, बीना कुमार, ज्योतिष कुमार, अभिषेक एवं सरिता का नाम स्क्रूटनी में छट गया है। अब सुल्तानगंज विधानसभा से कुल 13 कैंडिडेट ही मैदान में रह गए हैं। वहीं शुक्रवार को भागलपुर एवं नाथनगर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कराने आए उम्मीदवारों के लिए प्रशासन की ओर से कई तरह के इंतजाम किए गए थे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय के बाहर और आप देख सकते हैं कि यहां पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और गेट पर ही, मुख्य द्वार पर ही सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ यहाँ पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। अंदर क्या व्यवस्थाएँ, किस तरह से नामांकन प्रक्रिया चल रही है, हम आपको तस्वीर यहाँ से दिखाते हैं। सदर अनुमंडल का यह कार्यालय है, यहाँ पर भागलपुर के जो प्रत्याशी होंगे वह पर्चा दाखिल करेंगे और इसको लेकर के अनुमंडल कार्यालय में सदर SDO का जो कार्यालय है उसमें मुकम्मल व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जो प्रत्याशी को नामांकन पर्चा दाखिल करने में कोई अगर असुविधा होती है तो उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आप एक साइड देख सकते हैं कि नजारत NR यहाँ पर कई प्रत्याशी आए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, वह यहाँ पर नजारत रसीद कटा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए आएंगे उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। आपको हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सदर अनुमंडल कार्यालय में जो प्रत्याशी आएंगे उसके लिए व्यवस्था की गई है। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय का यह कक्ष है और इसमें यहाँ पर कर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, समय सारे कर्मी उपस्थित हैं। साथ ही साथ बात करें तो नाथनगर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वह ADM के चैम्बर में अपना पर्चा दाखिल करेंगे और यह प्रक्रिया 16 तारीख तक चलेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क TV, भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DM ने भागलपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव से संबंधित तैयारियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। DM ने कहा कि भागलपुर में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का नॉमिनेशन पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पहले चरण में 28 अक्टूबर को कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में चुनाव होगा, जबकि भागलपुर नगर समेत नाथनगर, बीहपुर, गोपालपुर और पीरपैंती में दूसरे चरण में चुनाव होना है। दूसरे चरण के चुनाव का नॉमिनेशन 16 अक्टूबर तक होगा,
जबकि 17 को स्क्रूटनी एवं 19 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। डीएम ने कहा कि 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर सारी तैयारियां की जा रही है। भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय में भागलपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि सुल्तानगंज से 18 और कहलगांव से 15 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इसके अलावा डीएम ने चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। डीएम ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है और इसके लिए मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इसके लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि चुनाव में किसी प्रकार से व्यवधान न हो इसको देखते हुए अपराधियों और वारंटियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि मतदान के दौरान शांति भंग करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि मतदान केंद्र समेत तमाम जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स एवं बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती की जा रही है और चुनाव के मद्देनजर 51 चेक पोस्ट और बैरियर बनाकर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस जिले में दो चरण में चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण में कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का नाम निर्देशन समाप्त हो चुका है और आज से द्वितीय चरण में 5 जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, गोपालपुर, बिहपुर, नाथनगर, भागलपुर सदर और पीरपैंती, आज से इसका नॉमिनेशन शुरू हो गया है और नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020 है, जो कि शुक्रवार का दिन है। 16 अक्टूबर 2020 तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। नॉमिनेशन जो प्राप्त रहेंगे, नाम निर्देशन के जो भी प्रपत्र प्राप्त रहेंगे, उसकी संवीक्षा स्क्रूटनी 17 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन की जाएगी और अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर सोमवार है और पूरी यह निर्वाचन प्रक्रिया जो वोटिंग होनी है इसका 3 नवंबर को मतदान होना है इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में। इन सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, भागलपुर सदर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जो कि अपने अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उनके यहाँ नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त किए जाएंगे। नवगछिया भवानीपुर थाना क्षेत्र में NH 31 बिरबन्ना चौक के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 35 वर्षीय मोहम्मद अजमल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के भाई मोहम्मद मंजूर आलम ने बताया कि गुरुवार की रात उनकी लड़की की शादी थी, जिसको लेकर बारात की व्यवस्था सड़क किनारे ही की गई थी। बारात जाने के बाद अजमल सारा सामान समेट रहे थे, इसी दौरान खगड़िया की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक अजमल को कुचलते हुए सड़क की दूसरी ओर जा गिरी। घटना में अजमल की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर भवानीपुर ओपी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजकर ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। का घर में शादी था, इसलिए हम लोग बारात उरात को वहाँ पर रखे थे। सामान तमान जिधर उधर सारी अथी पड़ा हुआ था, जो हम लोग अथी समेट उमेट उमेट करके इधर उधर कर रहे थे कि अचानक उधर से पश्चिम की ओर से पूरब जा रहा था ट्रक। हम लोग को भागते भागते हमारे भाई को अति एक्सीडेंट करके फिर ट्रक ऊपर चढ़ा करके दक्षिण की अथी पार में जा करके अथी हो गया। विश्व डाक दिवस के अवसर पर भागलपुर प्रधान डाकघर में सामान्य दिनों की तरह शुक्रवार को भी कामकाज चलता रहा। रोजाना की तरह प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन, अजय आजाद समेत सभी पदाधिकारी और कर्मी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहे। सभी काउंटर पर ग्राहकों की भीड़ जुटी रही, जबकि बाहरी परिसर में भी काफी संख्या में महिलाओं की कतार देखी गई। वहीं विश्व डाक दिवस को लेकर पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने सभी डाक कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मृत प्राय हो चुके डाक विभाग को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है, जिसके लिए सरकार ने आम लोगों की जरूरत के अनुरूप कई सेवाओं की शुरुआत की है और फिलहाल डिजिटलाइजेशन के माध्यम से करोड़ों ग्राहकों को सेवा पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि डाक दिवस के अवसर पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए पोस्टल वीक का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कहा कि पूर्वी प्रक्षेत्र बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार के निर्देश पर ग्राहकों के हित में लगातार कार्य हो रहा है। बदलते दौर में डाक विभाग द्वारा IPPB, आधार कार्ड सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है,
जिस कारण अब पोस्ट ऑफिस में गंगाजल, एलईडी लाइट, फैन, मास्क समेत कई सामान पोस्टल विभाग की एक ही छत के नीचे मिल रहा है। आज से भारतीय डाक पोस्टल वीक के रूप में मना रही है। ये 15 तारीख तक चलेगा। हम लोगों के डाक घर में क्या परिवर्तन हुआ है इसकी जानकारी लोगों को दे रहे हैं। बहुत सारे कार्य जो मैनुअल था आज ऑनलाइन होने जा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। जैसे DOP का सेविंग बैंक का कार्य ऑनलाइन नहीं होता था, ये भी होने लगा है। भागलपुर पोस्टल डिवीजन के डाक अधीक्षक RP प्रसाद ने शुक्रवार को प्रधान डाकघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। डाक अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व डाक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत डाक विभाग बचत बैंक दिवस, डाक जीवन बीमा दिवस, व्यवसाय विकास दिवस एवं डाक मेल्स दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अधीक्षक RP प्रसाद ने कहा कि डाक विभाग निरंतर अपनी सेवा देता रहता है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान जान जोखिम में डालकर डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने ग्राहकों को सेवा प्रदान की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए डाक विभाग सदा तत्पर रहा है और महामारी के समय खाद्य सामग्री और दवा का भी वितरण विभाग की ओर से किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाकपाल सुनील कुमार सुमन के साथ संजय कुमार भी मौजूद थे। हम लोग राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहे हैं, उसमें आज के दिन से 15 तारीख तक बहुत सारा कार्यक्रम हो रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को डाक विभाग को किए गए कार्यों से ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराया जाए और नए जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी। बांका बेलहर थाना क्षेत्र के बदुआ नदी स्थित बघौनिया घाट पर गुरुवार को बालू माफियाओं ने दिनदहाड़े अपने वर्चस्व की लड़ाई में ताबड़तोड़ गोलीबारी की। घटना में एक किसान गोली लगने से जख्मी हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही बेलहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि बालू संवेदक महावीर इनक्लेव के द्वारा स्थानीय लोगों को पेटी कॉन्टैक्ट में रखकर बघौनिया बालू घाट चलाया जाता है, लेकिन सरकारी निर्देश पर बरसात के मौसम में 3 माह से बालू घाट बंद है। इसके बावजूद गांव के कुछ बालू माफिया नदी से अवैध बालू खनन करने का प्रयास करते हैं। सोमवार को ग्रामीणों द्वारा अवैध बालू खनन का विरोध करने पर बालू माफियाओं ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस दौरान नदी किनारे खेत में काम कर रहे 35 वर्षीय किसान सुनील यादव के बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह वहीं गिर गया। घटना में 20 से 25 राउंड गोलियां चलने की बात कही जा रही है। वहीं थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बालू घाट पर दो पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर 1-2 राउंड गोली चलने की सूचना मिली है, पर अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इधर जख्मी का इलाज कर रहे डॉक्टर सुधीर मधुकर ने बताया कि पैर में लगी गोली आर पार हो गई है और नस कट जाने से काफी मात्रा में खून बह गया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर।
ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार देर शाम निधन हो गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर देखी जा रही है। शुक्रवार को अमरपुर से लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रख उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोजपा के अमरपुर प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे भारतीय राजनीति में एक युग का अंत बताया। लोजपा प्रत्याशी ने कहा कि लोजपा संस्थापक दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज थे। इस दौरान प्रोफेसर बैद्यनाथ यादव, सुरेंद्र शर्मा, प्रकाश पासवान, वरुण मधुकर, मुकेश देव, रंजीत मंडल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी से नाथनगर विधानसभा के टिकट के प्रबल दावेदार पप्पू मंडल का टिकट कटने के बाद उन्होंने बागी रुख अपना लिया है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए जदयू के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ दिया है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू मंडल ने बिना नाम लिए पार्टी के बड़े नेताओं को टारगेट किया और कहा कि सीएम के साथ कई चापलूस हैं जो उन्हें गलत दिशा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत मंडल काफी बूढ़े और अस्वस्थ हो चुके हैं, उनसे उनका शरीर संभलना मुश्किल है, वो क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। वहीं पप्पू मंडल के आवास पर पहुंचे कई कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार, लक्ष्मीकांत मंडल, ललन शर्राफ समेत अन्य जदयू नेता के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हमने वोट मांगा उनके लिए, उनका चुनाव जिताया। चुनाव जिताने के बाद इस बार 2020 में जो शर्त था इसी हिसाब से हम पहुंचे। फिर अपना बायोडाटा माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम अपने आप को कैंडिडेट, जब हमको तो आश्वासन, पूर्णतः आश्वासन मिला था। हम क्षेत्र में हैं रात दिन। अब जान लीजिए कि कोरोना ऐसे महामारी में हम हर क्षेत्र में, जो कि कोई लोग बाहर नहीं निकलना चाहता था, उस परिस्थिति में हर समाज में गरीब तबके के लोगों को हमने सूखा राशन, और जो भी मजदूर हमारा बाहर में थे आने के लिए उनको कोई साधन नहीं था, यहाँ तक कि उनके खाते में हमने पैसा भेजा है। और लगातार पूरे कोरोना काल में सैनिटाइजर का काम हो या गरीबों के बीच राशन वितरण का काम हो, हमने करते रहा। यह नहीं डरा कि यह ऐसी महामारी में हमें कोरोना भी हो सकता था, फिर भी हम क्षेत्र में लगे रहे, जनता की सेवा हमारा दिन करते रहे। बाढ़ जैसी विपत्ति में भी
अब देखिएगा कि हम कहीं दूर दूर जाके नाव करके भी हम लोग के बीच जाके उनके राशन को उपलब्ध कराया है। रात दिन क्षेत्र में हमने मेहनत किया है। जो अगले मरतब जो बात हुई थी कि मतलब वो रहेंगे उसके बाद पप्पू मंडल जी रहेंगे, तो पप्पू मंडल जी को टिकट मिल गया था टिकट, उसके बाद जो है समझौता हुआ कि नहीं अब की बार जो है बूढ़े आदमी हैं उन्हीं को टिकट मिला जाए। एकदम नाथनगर विधानसभा से इसलिए विरोध कर रहे हैं कि एकदम बूढ़ा व्यक्ति बीमार व्यक्ति को दे दिया टिकट और हमारे नेता पप्पू मंडल को टिकट नहीं दिया गया। हम जो है सूरज कुशवाहा युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नाथनगर में युवा व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र 158 से युवा उम्मीदवार को यानी कि पप्पू भैया को टिकट नहीं दिए जाने पर मैं फुल विरोध करता हूं नीतीश कुमार जी का, आरसीपी सिंह का और ललन सराफ जी का। चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी जंग में कूद पड़े हैं। गुरुवार को बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अजय ने पुरुरल्स पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि वह राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन बिहार की वर्तमान स्थिति एवं पुरुरल्स पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा है। साथ ही डॉक्टर अजय ने बताया कि उन्हें अमरपुर की जनता पर पूरा भरोसा है और यहाँ की जनता क्षेत्र में विकास के लिए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार विधानसभा भेजने का काम करेगी। यहाँ जाति और धन पर बटकर लोग एक मुश्त में वोट दे देते हैं जो नेता के लिए बहुत आसान होता है। ऐसे में कोई इस तरह का एक जुनून लेकर यहाँ आया है जैसे कभी महात्मा गांधी कभी जवाहरलाल नेहरू इत्यादि लोग पहले इंग्लैंड गए थे, वहाँ पढ़ाई करके वहीं नहीं बस गए। वो लोग अपना सब चीज़ छोड़कर अपना ऐशो आराम छोड़कर भारत आए और भारत को स्वतंत्र थी। ठीक उसी तरह से आज पुष्पम प्रिया चौधरी जी विदेश के ऐशो आराम को छोड़कर उतनी अच्छी पढ़ाई करते हुए भी यहाँ भारत आई और कुछ अच्छे सोच के साथ आई है और इसमें सिर्फ पढ़े लिखे नागरिकों को ले रहा है। भागलपुर BSNL महाप्रबंधक कार्यालय सभागार में शुक्रवार को मोटिवेशनल टॉक का आयोजन किया गया। मोटिवेशनल टॉक के दौरान रिटायर्ड नेवल कोमोडोर चंद्रशेखर आजाद ने पेरेंटिंग एंड लिविंग हैप्पीनेस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और कहा कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता स्वस्थ और खुश रहना है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और खुश रहकर हम खुद को इतना सक्षम बना सकते हैं कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें और हर बाधाओं को पार करने के साथ दूसरों के लिए भी सहयोगी बन सकें। वहीं भागलपुर SSA के GM महेश कुमार ने कहा कि BSNL की ओर से आयोजित वर्कशॉप में नवगछिया से आए नोवल कोमेडोर चंद्रशेखर आजाद ने लाइफ की स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी, जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन में खुश और स्वस्थ रहने की कला एवं आवश्यकताओं के बारे में जान सकता है। GM ने कहा कि BSNL के सभी अधिकारियों को वर्कशॉप से काफी लाभ मिलेगा। मौके पर AGM एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग BK सिंह, आंतरिक वित्तीय सलाहकार अमित लाल मंडल, अभियंता प्रमोद मंडल, SDE एंड PRO SK कनोजिया, PS दीपक श्रीवास्तव, चंदन कुमार समेत BSNL के कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। यहाँ मोटिवेशनल और हैप्पीनेस इन लाइफ का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें हमने गेस्ट स्पीकर के तौर पर रिटायर्ड कमांडर नेवल कमांडर चंद्रशेखर आजाद जी जो नौगछिया के हैं और उनको 34 साल का एक्सपीरियंस है नेवल सर्विस में और इस समय वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, तो आज हमने उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है एक आपका स्वास्थ्य है और एक आपका जो हैप्पीनेस कोशेंट है, कितने आप खुश हैं, कितने खुशहाल हैं। यदि आप खुश नहीं हैं तो आपके उसका असर आपके काम पे भी पड़ेगा क्योंकि आप काम के टाइम में अपने बारे में सोचते होंगे या परिवार में जो समस्याएं हैं उसके बारे में सोचते होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नॉर्मली कम हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व केंद्र मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा 153 सीटों पर और मायावती 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं भागलपुर विधानसभा से रालोसपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए शहर के कई नेता राजधानी का चक्कर लगा रहे हैं।
इसी कड़ी में भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 14 के पूर्व पार्षद मोहम्मद इब्रार हुसैन उर्फ बेला का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं पूर्व पार्षद सब मुस्लिम एजुकेशन कमेटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सचिव इब्रार हुसैन ने बताया कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें भागलपुर विधानसभा से टिकट दिए जाने का भरोसा दिलाया है। चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे पार्षदों ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और भागलपुर से उनकी जीत पक्की है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जहां तक हमारी बात है, रालोसपा के माननीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने भागलपुर विधानसभा से टिकट देने का भरोसा दिलाया। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर से 8 और नाथनगर से 3 उम्मीदवारों ने कटाया ऐलान, सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। चुनाव की तैयारियों को लेकर डीएम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चुनाव आयोग के निर्देशों का कराया जाएगा पालन। नवगछिया में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, शादी समारोह का सामान समेट रहे युवक को ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई मौत। विश्व डाक दिवस को लेकर देश भर में मनाया जा रहा है डाक सप्ताह, भागलपुर प्रधान डाकघर में लग रही लोगों की भीड़। और बांका में अवैध बालू उठाव का ग्रामीणों ने किया विरोध, दहशत फैलाने के लिए दबंगों ने की फायरिंग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।